हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हम CRSU का ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊँगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एग्ज़ाम देने से पहले फ़ोन की कुछ सेटिंग करनी होती है ताकि हम एग्ज़ाम देते समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हमें सबसे पहले तो हमारे जो डिस्प्ले का टाइम होता है, हम देखते हैं ये डिस्प्ले 15-20 सेकेंड में ऑफ होती रहती है। यहाँ से टाइम होता है लगभग 15-30 सेकंड होता है हर फ़ोन में, हम यहाँ से नेवर करना है ताकि 3 घंटे तक हमारी स्क्रीन ऑफ ना हो बार बार। क्योंकि अगर हमारी स्क्रीन बीच बीच में अगर बंद होती है तो इससे कैमरा बंद हो सकता है और यह MC बनने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले हमें फ़ोन की ही सेटिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीच बीच में कॉल आती रहती है, कोई अनजान नंबर से भी कॉल आ जाए, इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आप अपने सेटिंग में जाए और जो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग वॉइस, यहाँ से आप अपनी कॉल किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दें। आपके फ़ोन में आपके नेटवर्क से चलेगा, लेकिन जो आपकी कॉल आपके नंबर पर आने वाली है वो दूसरे नंबर पर चली जाएंगी। जो आपका कोई दूसरा नंबर हो आप उस पर अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ऑलवेज फॉरवर्डिंग जैसे हो रहा है। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 20-30 सेकेंड। जैसे जी शुरू हो गई ऑलवेज फॉरवर्ड, यहाँ पर आप अपना कोई भी दूसरा नंबर भर दो जिस पे आपको अपनी कॉल फॉरवर्ड करनी है और यहाँ से टर्न ऑन कर दें। जैसे यहाँ से टर्न ऑन, तो जो आपकी कॉल है वह उसी दूसरे नंबर पर कॉल फॉरवर्ड हो जाती है, आपके पास कोई भी 3 घंटे तक 4 घंटे तक कोई भी कॉल नहीं आएगी। जैसे ये आ गया ऑल कॉल फॉरवर्ड इज ऑन। सबसे पहले हमें फ़ोन की 2 सेटिंग करनी होती है। उसके बाद देखो नेटवर्क हमारा इसी प्रकार से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हमें जहाँ हमको ऐप्स का या अदर नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो यहाँ से हम डोंट नोट डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई भी अन्य नोटिफिकेशन ना आए। और उसके बाद हमें एक सेटिंग करनी होती है, जो हमारे बैकग्राउंड में ऐप चलते हैं हमें वे चेक करने के, हमारे बैकग्राउंड में ऐप चल रहे कि नहीं चल रहे। जैसे हमने यूट्यूब खोल लिया और जैसे हमने ये वीडियो चला दी और हमें यहाँ से बैक कर दिया, फिर हमने जीमेल खोल ली, उसके बाद हमने बैक कर दिया, उसके बाद हमने क्रोम खोल ओपन कर लिया, तो हमें यहाँ से बैक करके देखना कि ये यहीं से शुरू हो जाता। अगर ये यहीं से शुरू हो जाता तो हमारे फ़ोन की सेटिंग बिल्कुल ओके है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में ऐप चलना बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी, अगर आपके बैकग्राउंड में ऐप नहीं चल रही तो आप फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम स्टैंड की जरूरत होती है। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम स्टैंड खरीद सके, इसलिए हम घर पर ये स्टैंड बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरा स्टैंड है, यहाँ पर हम एक एक मतलब घर के कोई एक साइड में जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है वहाँ पर अपना स्टैंड लगा सकते हैं। जैसे इस प्रकार हम बुक्स का कोई एक स्टैंड बना सकते हैं इस प्रकार, और यहाँ पर इस पर बैठ कर हम अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हमें क्रोम में जाना होता है, और क्रोम में जाने के बाद हमें जो हमारे बीच में बैकग्राउंड में टैब चल रही है, हमें सबसे पहले इन सब को बंद कर देना है ताकि बीच में कोई अदर टैब ओपन ना हो। और उसके बाद यहाँ से हमें न्यू टैब ओपन करनी है और यहाँ पर लिखना है हमें CRSU। और उसके बाद हमें यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिंक पर, और उसके बाद यहाँ दोस्तों हमें सबसे पहले हमें जो CRSU ने अपनी गाइडलाइन दी है हमें उसको जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो हमें एग्ज़ाम देने से पहले हमारे पास कोई ID प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो, अपने पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। और हमें करने योग्य, हमें परीक्षा देते समय हम क्या कर सकते हैं, सबसे करने योग्य बातें हैं, फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की क्लिक होनी चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका लैपटॉप टेस्ट हो, पूरी तरह से चार्जर हो और बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन हो। ऑनलाइन परीक्षा पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि डिवाइस का स्पीकर और कैमरा पूरी तरह से चालू हो। आपको अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर रखना चाहिए या आप अपनी कॉल दूसरे फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके बीच में कोई भी कॉल डिस्टर्बेंस ना हो।
और व्हाट्सएप और अदर मैसेज भी आप बंद कर सकते हैं। नहीं करने, आपको यह काम बिल्कुल भी नहीं करने। अगर आप यह काम करते हो तो आपकी यूएम से रजिस्टर्ड की जा सकती है। मुख्य स्क्रीन से कभी भी दूर मत जाना। आप हमेशा कैम आपकी नज़र हमेशा स्क्रीन कैमरे पर या अपने एसोसिएट में होनी चाहिए। आपको परीक्षा के दौरान आपको किसी से बात करने की अनुमति नहीं है। अगर आप परीक्षा के अनुसार किसी से बात करते हैं अदर पर्सन से तो आपकी यूएमसी बनने का खतरा है। आप कवर कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार हम जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं फ़ोन में तो हमारा गलती से कैमरे पर हाथ रखा रह जाता था, इससे कैमरा बंद हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको अपनी आईडी पासवर्ड सिर्फ एक ही फ़ोन में लॉगिन करनी है। बार बार आप एक टाइम में दो फ़ोन में अपनी लॉगिन पासवर्ड लॉगिन नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप पर्सन करते समय अपने लैपटॉप या मोबाइल पर कोई अपनी एप्लीकेशन ना ओपन करें, क्योंकि अगर आप कोई अदर एप्लीकेशन लॉगिन करते हो तो आपके फ़ोन की जो आप एग्जाम दे रहे हो बार बार लॉग आउट होंगे, और बार बार लॉग आउट होने के कारण आपकी एम से रजिस्टर्ड किया जा सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी कोई एप्लीकेशन ना करें। तो ये सब बातें थी। के बाद हमें सारी गाइडलाइन पढ़ने के बाद हमें एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना आईडी और पासवर्ड रजिस्टर्ड करने हैं। उसके बाद जो कैप्चर है हमें ये बड़े ध्यान से भरना है। और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। हमारे हम लॉगिन हो जाएंगे और नीचे आप देख रहे हैं आपके हमारे यहाँ पर सभी एग्ज़ाम आ जाएंगे, हमारे किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम है। और जैसे हमारे एग्ज़ाम, ये पहला एग्ज़ाम है 5-3 तारीख को। जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करते तो हमारे सामने एक ऐसा फेस ओपन होगा। हम इसके बाद ऐसे फेस ओपन होने के बाद हम थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कैप्चर फोटो, यहाँ से मैं कैप्चर फोटो करना है। उसके बाद यहाँ से अपलोड होना है, जो आप ये देख रहे हो मैंने जो टिक मार्क किया अपलोड फोटो, इस पर क्लिक करना है। अब ये फोटो अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमें थोड़ा अपनी आईडी प्रूफ दिखानी है, कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड हो आप दिखा कर, यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। यहाँ से फिर अपलोड आईडी, यहाँ से हमें दोनों चीज़ अपलोड करनी है। यहाँ पर कुछ घोषणाएँ दी हुई है कि मुझे जानकारी हो कि ऑनलाइन जिसमें किसी में तरह कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे हो, या आप गाइडलाइन थोड़ा आप इसे पेपर देने से पहले पढ़ ले 2 मिनट पहले, आप इन फॉलो को ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद जैसे हमारा समय स्टार्ट होता है हमें स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा फेस ओपन होगा। देखो हमारे सामने एक ऐसा फेस ओपन होगा, और जैसे आप दो देख रहे हैं कोने में जो लास्ट में, वहाँ पर अपना कैमरा चलता है लाइव वीडियो, और जो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर हमें सीट अपलोड होती है कि हमारी कितनी सीट अपलोड हुई है। और उसके बाद जो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं पर आता है। एक बात का ध्यान रखें कि हमारा 3 घंटे के बाद क्वेश्चन पेपर यहाँ से चला जाएगा, इसलिए 3 घंटे तक ही अपना एग्ज़ाम करें। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप कोई अदर ऐप नहीं खोल सकते। जब आप इस ऐप का यूज़ कर रहे हो तो आप कोई भी व्हाट्सएप या कोई गूगल ऐप कुछ भी ओपन करने की कोशिश ना करें, वरना बार बार लॉग आउट होगे। इसके बाद जो आप देख रहे हो हमें कैसे अपलोड करना है, तो जो आप देख रहे हैं आप थोड़ा ये रोटेट, हम ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं फ़ोन को, इसमें थोड़ी छोटी स्क्रीन हो गई, हम इस प्रकार रोटेट करके भी अपना फ़ोन रख सकते हैं। जिस प्रकार या हम इस प्रकार जिस प्रकार भी आप कंफर्टेबल लगे आपको कि हम इस प्रकार कंफर्टेबल, आप सीधा फ़ोन रख सकते हैं, आप टेढ़ा फ़ोन रख सकते हैं, बस आपकी सीट और फेस से प्रकार से दिखना चाहिए। मेन बात यही है, सिर्फ जो आपके सीट लिखते हुए है और आपका फेस, ये सबसे मेन चीज़ है, यही आपको दिखनी चाहिए। और आपका नेटवर्क, आप जो आपको नेटवर्क दिख रही है इसकी तरफ भी आप ध्यान 5 या 10 मिनट के बाद लगाते रहिए कि आपको नेटवर्क नहीं चला गया हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सीट अपलोड कैसे करते हैं। हमें अपने कैमरे के सामने से फेस नहीं हटाना है। जब आप देख रहे पेज नंबर, जो आप यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे पहला पेज पर क्लिक किया
चौबीस, यहाँ पर सारे पेज नंबर है, फिर यहाँ पर 24 फाइल पर क्लिक किया। इसके बाद हमें कैप्चर इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे हम कैप्चर इमेज पर क्लिक करते हैं, हमें अपने ओरिजिनल कैमरे से ही फ़ोटो लेनी है। इसके बाद कैमरे का ध्यान रखें, कैमरा का जो फेस साफ़ होना चाहिए, जो मैं हमारी इमेज दिख रही है, आप इसका ध्यान रखें कि इमेज नहीं दिखनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर लाइट इसलिए कर रहा हूँ, आप थोड़े फ़ोटो साफ लें। जो आप टिक मार्क दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद जो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, अपलोडिंग आंसर पेज अपलोडिंग स्टार्ट, जो हम देख रहे हैं कि आंसर पेज अपलोडिंग, जब ये ऐसा फेस आएगा तो हम आप समझ जाएंगे आप फेस शीट अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, हमारा पहला पेज अपलोड हो चुका है। इसके बाद हमें पेज नंबर सेकंड सेलेक्ट करना है, उसके बाद चॉइस फाइल सेलेक्ट करने के बाद हमने कैमरा, इसके बाद कैमरे, उसके बाद फिर से हमें अपने ऐसे फोटो साफ फ़ोटो लेना है। जो आपको इमेज दिख रही है मेरी, ये हमें ये कैमरे में ये इमेज नहीं आनी चाहिए। अभी अपलोड हो रही है, जैसे ही शीट अपलोड होगी हमारे पास मैसेज आएगा, अनुसार शीट अपलोडेड सक्सेसफुल। देख देख रहे कि हमारी दो शीट अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर यस का निशान आ गया। तो इसी प्रकार हमने एग्ज़ाम देना है। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या आए तो यहाँ से हम अपना स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हमारे पास एक सबूत सा बने रहे कि हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम में कितनी सीट अपलोड हुई थी। तो अगर आपको फिर भी कोई एग्ज़ाम देने में कोई समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर आप लॉग आउट करते हैं यहाँ से एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तुरंत बाद ही।